हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 27 सितंबर 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और उसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे कल के रिवीजन से। असम सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन आचोनी योजना शुरू की है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने प्लास्टिक पार्क योजना के तहत 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2020 मनाया गया। योगी आदित्यनाथ जी ने छात्र सशक्तिकरण के लिए यूनिफाइड री इमेजिंड इनोवेशन पोर्टल यानी यू राइज पोर्टल शुरू किया है। नीति आयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रेस 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया है। भारत द्वारा पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। प्रकाश जावड़ेकर जी ने चीन द्वारा आयोजित जैव विविधता पर आयोजित मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। शिवांगी सिंह रफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। IDFC फर्स्ट बैंक ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतानों के लिए सेफ पे सुविधा शुरू की है। और एसर इंडिया ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020, विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक क्या है। तो हाल ही में वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट जारी की गई है 2020 की, और इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में भारत है 89th नंबर पे, यानी इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 89th। तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जो है इसे डेवलप किया जाता है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी यानी UNUEHS के द्वारा, और इसे कैलकुलेट किया जाता है इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा। और इस इंडेक्स में देखा जाता है जो भी कंट्रीज़ हैं तो कितनी तैयार हैं नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे कि बाढ़ हो गई, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी वगैरह जो भी नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए कितनी प्रिपेयर है, वहाँ पे किस लेवल का रिस्क है, के कंट्री में रहने वालों के लिए कितना रिस्क है वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर के लिए। तो इस इंडेक्स में टोटल 181 कंट्रीज़ को शामिल किया गया था, और इस 181 कंट्रीज़ में भारत रहा है 89th नंबर पे। और भारत इस इंडेक्स में श्रीलंका, भूटान और मालदीव से भी पीछे है नेचुरल डिज़ास्टर से सेफ़ रहने के मामले में, नेचुरल डिज़ास्टर को कॉम्बैट करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए और उनके लिए प्रिपेयर रहने में भारत श्रीलंका, भूटान और मालदीव से भी पीछे है। तो बात करें इस इंडेक्स पे पहले नंबर पे कौन था, तो पहले नंबर पे था वनुआटू, दूसरे नंबर पे था टोंगा, और इंडिया था 89th नंबर पे। और सबसे लास्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिस्क है कतर में, ओके, कतर था 181 प्लेस पे, और सबसे कम रिस्क है वानुआटो और दूसरे नंबर पे रहा तोंगा। तो इंडेक्स वाले क्वेश्चन में मैंने आपको काफ़ी बार बताया है क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले इंडेक्स जारी कौन करता है, दूसरी बात उस इंडेक्स में टॉप किसने किया है, और तीसरी बात उस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही, और उसके अलावा अगर उसमें इंडेक्स में कुछ पॉइंट्स हैं तो जो फर्स्ट कंट्री है उसके पॉइंट्स और इंडिया के पॉइंट्स। तो ये पाँच चीज़ आपको मेनली याद रखनी है इंडेक्स वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द एनुअल इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ सार्क काउंसिल मिनिस्टर्स चेयर्ड बाय नेपाल। नेपाल की अध्यक्षता में हुई सार्क परिषद के मंत्रियों की वार्षिक अनौपचारिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो अभी हाल ही में जो सार्क है उसके काउंसिल मिनिस्टर्स की एनुअल इनफॉर्मल मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता की है नेपाल ने, और इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है एस जयशंकर जी ने, जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को इस मीटिंग में। तो COVID-19 पेंडेमिक के चलते ये जो मीटिंग है ये हुई थी वर्चुअली, और यहाँ पे जितने भी सार्क के मेंबर स्टेट हैं वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव आए थे, और यहाँ पे डिस्कस किया गया जो भी देशों के द्वारा कदम उठाए गए हैं अपने अपने रीजन में COVID-19 से लड़ने के लिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया। तो जो सार्क है, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ओके, याद रखिएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं इसाला रुवान वीराकुल, और इसका हेडक्वार्टर है नेपाल की कैपिटल काठमांडू में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो अभी 26 सितंबर को मनाया गया है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2020। और इस साल के लिए थीम रखी गई थी इन्वायरमेंटल हेल्थ, अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। ओके, इन्वायरमेंटल हेल्थ, अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। तो थीम हमेशा आपको बताता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो थीम ज़रूर से याद रखिएगा। और ये जो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे है, ये हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। जो लोग, जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी प्रयास किए जाते हैं पर्यावरण की हेल्थ को सुधारने के लिए, पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं लोगों के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, तो उनके कार्य में प्रकाश डालने के लिए, लोगों को बताने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं, हर साल ये दिन मनाया जाता है। और इसे शुरू किया गया था 2011 में, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ है IFES, इन्होंने 26 सितंबर को डिक्लेयर किया था कि 26 सितंबर को अब वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे मनाया जाएगा 2011 से। उसके साथ ही 25 सितंबर को भारत में मनाया जाता है अंत्योदय दिवस, और इस साल मनाया गया है अंत्योदय दिवस 2020। तो 2014 में मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि 25 सितंबर को अब अंत्योदय दिवस मनाया जाएगा हर साल। जो पंडित दीनदयाल जी थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 25 सितंबर को, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी अब अंत्योदय दिवस के रूप में मनाई जा रही है 2014 से हर साल। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं सितंबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं। तो सबसे पहले 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 2 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड कोकोनट डे, इसके लिए थीम थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। उसके बाद 5 सितंबर को हुआ इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। उसके बाद 7 सितंबर को हुआ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। उसके बाद 8 सितंबर को हुआ इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द COVID-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। उसके बाद 9 सितंबर को हुआ इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। और उसके साथ हिमालयन डे, हिमालयन डे की थीम थी हिमालयाज एंड नेचर। उसके बाद 10 सितंबर को हुआ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। उसके बाद 12 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, जो कि सितंबर के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम थी फर्स्ट एड सेव्स लाइव्स। उसका 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके साथ ही इंजीनियर्स डे। उसके बाद 16 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, जिसके लिए थीम रखी गई थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। उसके बाद 17 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। उसके बाद 18 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड बम्बू डे, इसके लिए थीम थी बम्बू नाउ। उसके साथ ही वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, जिसके लिए थीम थी सॉल्व वाटर, और उसके साथ ही इंटरनेशनल इक्वल पे डे। उसके बाद 19 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, जो कि सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल रेड पांडा डे, जो कि सितंबर के तीसरे सैटरडे को मनाया जाता है ये भी। और उसके बाद 21 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जिसके लिए थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। उसके बाद वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, जिसके लिए थीम थी लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। उसके बाद 22 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड राइनो डे, जिसके लिए थीम थी 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। 23 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, जिसके लिए थीम थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। उसके बाद 24 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड मैरीटाइम डे, जो कि सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लानट। उसके बाद 25 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ और अंत्योदय दिवस। और अब 26 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, जिसके लिए थीम रखी गई है इन्वायरमेंटल हेल्थ, अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। तो जितने भी डेज़ हैं इंपॉर्टेंट, आपको ऑर्डर वाइज याद रखने हैं, और आए दिन मैं रिवीजन कराता ही हूँ, तो साथ में रिवाइज भी करते चलिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में भी आ रही होगी, और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ हर प्लेटफॉर्म पे, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज्ड टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 2020-23। शहरी सहकारी बैंकों के साइबर सुरक्षा 2020-23 के लिए
प्रौद्योगिकी दृष्टि किसने जारी की है? तो अभी हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 2020-23 नाम से टेक्नोलॉजी विज़न लॉन्च किया है। तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है ये इम्प्लीमेंट करेगा टेक्नोलॉजी विज़न फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 2020-23, ताकि जो शहरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनकी जो IT सिक्योरिटी है तो इनको अच्छे से IT सिक्योरिटी इनमें बढ़ाया जा सके, जो साइबर अटैक्स होते हैं बैंक्स में तो उनसे बचा जा सके, शहरी बैंकों को बचाया जाए, और अगर कोई अटैक हो रहा है तो उसको आसानी से डिटेक्ट भी किया जा सके और उसको रिस्पॉन्ड भी दिया जा सके, और अगर अटैक हो चुका है तो उससे अच्छे से रिकवर किया जा सके। तो साइबर अटैक से बचना, उसे डिटेक्ट करना, उसका रिस्पॉन्ड करना और उससे रिकवर करना, इस सब चीज़ों के लिए लॉन्च किया जा रहा है टेक्नोलॉजी विज़न फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 2020-23। और इसे RBI अचीव करेगी एक 5-पिलर्ड स्ट्रेटजिक अप्रोच के द्वारा, जिसका नाम दिया गया है गार्ड। तो गार्ड में जो G है इसका नाम है गवर्नेंस ओवरसाइट, U है यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, A है अप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविज़न, R है रोबस्ट कोलाबरेशन, और D है डेवलपिंग नेसेसरी IT साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में, ओके, तब इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। उसके बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर मूव हो गया मुंबई महाराष्ट्र में, और अभी प्रेजेंट में भी मुंबई में ही है, और अभी हाल में गवर्नर हैं RBI के शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस द 15th CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव ऑन इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप वॉज हेल्ड वर्चुअली? भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 15वां CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव किस स्थान पर वस्तुतः आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराया गया है 15th CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव ऑन इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप। तो अभी हाल ही में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII ने भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और उसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सपोर्ट में ये नया 15th CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव ऑन इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप लॉन्च किया था, जो कि चला 22 से लेकर 24 सितंबर तक, और यहाँ पे लगभग 500 प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग कंपनी से यहाँ पे डिस्कस की गई। और जो इस कॉन्क्लेव का मेन फोकस था वो था एग्रीकल्चर फील्ड, पावर एंड एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो COVID-19 के समय किस तरह से एग्रीकल्चर फील्ड और पावर और एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, तो किस तरह से COVID-19 के समय इनका डेवलपमेंट किया जाए, इनको रुकने ना दिया जाए, कैसे इन्हें और आगे बढ़ाया जाए, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया इस कॉन्क्लेव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में रजत सूद हुए हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त। और जो विनोद कुमार यादव हैं ये रेलवे बोर्ड के अभी हाल ही में CEO नियुक्त हुए हैं, और ये पहली बार हुआ है जब रेलवे बोर्ड में कोई CEO बना है, तो इसलिए ये नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड के पहले CEO बने हैं विनोद कुमार यादव। और जो राजेश खुल्लर हैं ये अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त हुए हैं। और जो समीर कुमार खरे हैं ये अभी हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है ये एक PSU है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है, और अभी इसी ने हाल ही में रजत सूद को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है, और ये जो रजत सूद जी हैं ये चार्ज लेंगे एस गोपाल की जगह, ओके, एस गोपाल जो कि डायरेक्टर कमर्शियल हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के, तो इनकी जगह अब आएंगे रजत सूद एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। और जो एस गोपाल हैं इन्हें अभी हाल ही में एडिशनल चार्ज दे दिया गया है इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर का। और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को ज्वाइन करने के पहले जो रजत सूद हैं ये स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में एज अ एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भी काम कर चुके हैं। तो जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और यहाँ के चेयरमैन हैं राजीव शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया होल्ड्स वेबिनार विथ विच कंट्री रिसेंटली टू बूस्ट डिफेंस कोऑपरेशन? भारत ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए
किस देश के साथ वेबिनार का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने कंबोडिया के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया है ताकि जो डिफेंस को ऑपरेशन है उसे बूस्ट किया जा सके। तो इस वेबिनार के लिए थीम रखी गई थी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप वेबिनार एंड एक्सपो। ओके, तो ये एक तरह का वेबिनार था और एक तरह का एक्सपो भी था वर्चुअल, जहाँ पे लगभग 100 वर्चुअल एग्जीबिशन स्टॉल लगाए गए थे। और ये वेबिनार एक पार्ट है एक सीरीज़ ऑफ वेबिनार्स का जो कि भारत ऑर्गेनाइज करेगा। जो भी अपने भारत के आसपास की फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं तो उनसे भारत जो है डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस सेक्टर में भारत एक्सपोर्ट करना चाहता है अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज़ पे। तो इसीलिए जो एक वेबिनार की सीरीज़ ऑर्गेनाइज कराई जा रही है सारे फ्रेंडली नेशंस के साथ, तो इसी सीरीज़ में अभी हाल ही में कंबोडिया के साथ एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया गया है। तो जो कंबोडिया है इसकी कैपिटल है फेनम पेन, करेंसी है रियल और प्राइम मिनिस्टर है हुन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ वॉन द यूनाइटेड नेशंस अवार्ड ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। किस राज्य ने संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में केरला ने जो संक्रामक रोग होते हैं यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज उनकी रोकथाम और उनके नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। तो इस अवार्ड का नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी टास्क फोर्स यानी UNIATF, और ये अवार्ड दिया गया है 2020 का केरला को, क्योंकि केरला ने 2019 पे जो काफ़ी सारे एक्शंस लिए थे जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं और उसके साथ ही मेंटल हेल्थ है, तो इनको सुधारने के लिए इनके प्रिवेंशन के लिए और इनकी रोकथाम के लिए काफ़ी सारे कदम उठाए थे जिसके कारण ये सब कंट्रोल में रहा, और इसीलिए केरला को ये UNIATF अवार्ड दिया गया है 2020 का। और केरला के साथ पूरे विश्व में सिर्फ 6 अदर हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ को ये अवार्ड दिया गया है। तो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज जीमेक्स हैज़ बिगन रिसेंटली इन नॉर्थ अरेबियन सी। हाल ही में भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जीमेक्स का कौन सा संस्करण उत्तरी अरब सागर में शुरू हुआ है? तभी हाल ही में इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज यानी जीमेक्स जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, ये शुरू हुई है रिसेंटली नॉर्थ अरेबियन सी में और इस साल इसका 4th संस्करण रहा यानी 4th एडिशन शुरू हुआ है इस साल। तो जो जीमेक्स है ये शुरू हुई थी 2012 से और ये हर दूसरे साल इंडियन नेवी और जो जापान की जापानीज़ मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है उन दोनों के बीच में हर दूसरे साल ऑर्गेनाइज कराई जाती है। तो इस साल अभी ये शुरू हुई है 26 सितंबर से और ये 3 दिनों तक चलेगी। तो भारत और जापान के बीच में एक्सरसाइज कराई जाएगी जहाँ पर काफ़ी तरह की वेपन्स फायरिंग, क्रॉसडेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन और एंटी सबमरीन एंड एयर वॉरफेयर ड्रिल्स किए जाएंगे। तो लास्ट टाइम अक्टूबर 2018 में ऑर्गेनाइज कराई गई थी जीमेक्स जो लास्ट टाइम हुआ था और इसे कराया गया था विशाखापट्टनम कोस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ पार्टनर्ड विथ इंडस्ट्री बॉडीज फॉर मेडिकल प्लांट्स कल्टीवेशन। किस मंत्रालय ने चिकित्सा पौधों की खेती के लिए उद्योग निकायों के साथ भागीदारी की है? तभी हाल ही में आयुष मिनिस्ट्री ने इंडस्ट्रीज बॉडी के साथ पार्टनरशिप की है जो मेडिकल प्लांट्स होते हैं उनकी खेती के लिए। तो जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड है यानी NMPB और जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है इन्होंने मिल के एक MOU साइन किया है आयुष एंड हर्बल इंडस्ट्री बॉडीज़ के साथ ताकि जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनकी खेती की जा सके, उनका कल्टीवेशन किया जा सके। तो इस MOU के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है ये आयुष न्यूट्रास्यूटिकल और हर्बल इंडस्ट्री को क्वालिटी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराएगी और जो इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं जिन्होंने ये MOU साइन किया है उसमें है ADMA यानी आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मुंबई, AMAM यानी कि एसोसिएशन फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन न्यू दिल्ली, उसके बाद AMMOI यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया त्रिशूर, उसके बाद AHNMI एसोसिएशन फॉर हर्बल एंड न्यूट्रास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया मुंबई, उसके बाद FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री न्यू दिल्ली और CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री न्यू दिल्ली। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आयुष के वो हैं श्रीपद यसो नायक और जो आयुष है इसका फुल फॉर्म है
आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो ये मूव करते हैं आज के वेलनेस की तरफ। तो सबसे पहले है 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया पोस्टपोन्ड टू जनवरी 2021 ड्यू टू पेंडेमिक। तो जो IFFI है यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका 51वां संस्करण अभी नवंबर में होने वाला था गोवा में, लेकिन COVID-19 के चलते इसे पोस्टपोन कर दिया गया है जनवरी 2021 तक के लिए, और जनवरी 2021 में भी ये गोवा में ही होगा। नेक्स्ट है लेजेंडरी सिंगर SP बाला सुब्रमण्यम पास्ड अवे रिसेंटली एट 74। महान गायक SP बाला सुब्रमण्यम का हाल ही में 74 साल की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट है आमिर खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीएट। तो आपने देखा होगा जो सीएट के टायर्स होते हैं, तो अभी हाल ही में सीएट ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड अपॉइंटेड युवराज सिंह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो जो आकाश आपने देखी होगी कोचिंग, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड, उन्होंने हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। लास्ट है हिस्टोरियन ऑथर राणा साफवी गेट्स द यामिन हजारिका वुमेन एंड सब्सटेंस अवार्ड 2020। इतिहासकार लेखिका राणा साफवी को यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ। तो अब समय आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है विच टेनिस टूर्नामेंट विल बी रीनेम्ड एज द बिली जीन किंग कप। किस टेनिस टूर्नामेंट का नाम बदलकर द बिली जीन किंग कप रखा जाएगा। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे कमेंट बॉक्स में। ये देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल के क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइज़र टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर था सीमांचला दास। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पर जुड़ें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।